Hello and assalamu alaikum everyone, this is your host Ahmed Malik and you are watching Zameen Facebook Live. We are right now at Pakistan Property Show 2022 Dubai and right now mere sath maujood hain Saad. Saad sir, aapne aapko introduce karaiyega please. Bismillahirrahmanirrahim, mera naam Mohammad Saad Ali Qureshi hai. I am assistant director sales and marketing Pelican Mall DHA Bhawalpur. और हम लोग यहाँ पे Pelican Mall DHA Bhawalpur की तरफ से आए हैं और यहाँ पे हम लोग एक 17 स्टोरी बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जो विच इज़ लोकेटेड ऑन मेन बुलेवर्ड जिना एवेन्यू DHA Bhawalpur ऑपोजिट साइड ऑफ द DHA मेन ऑफिस और जहाँ पे स्विस इंटरनेशनल इस शॉपिंग मॉल के अंदर है. साथ एक शॉपिंग मॉल का कॉन्सेप्ट है, पार्किंग्स हैं, उनके साथ हम यहाँ पे इन सारी चीज़ों को लेके आए हैं. साथ हम सुनते हुए आ रहे हैं DHA Bhawalpur की इम्पोर्टेंस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. लाइक ऑल DHAs, DHA Bhawalpur इज नो डिफरेंट. द कॉन्फिडेंस दैट पीपल हैव इन DHAs वो यहाँ पे भी ट्रांसलेट होता हुआ में मिलता है. DHA Bhawalpur में और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, वेरी गुड वंस, बट Pelican Mall इज वन ऑफ द वंस जो हम एक्सपेक्ट करें इट्स गोइंग टू बी द वन. तो जरा बताइएगा कि एज अ होल DHA Bhawalpur में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, यहाँ का रिव्यू बताइएगा. यहाँ पे हमने वी सॉ अ गुड नंबर ऑफ पीपल कमिंग हियर, तो उसका भी जरा मुझे बताइएगा. DHA Bhawalpur की तरफ अगर आप बिल्कुल एक DHA Bhawalpur को देखें तो एक बहुत अच्छा रिस्पांस है उसके हिसाब से. इसलिए कि एक तो अभी रिसेंटली आपको पता है कि ओवरऑल स्लम है पूरे पाकिस्तान के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर सारी चीज़ें. तो हम लोगों ने जो DHA Bhawalpur के अंदर जो DHA Bhawalpur की मैनेजमेंट ने जो ऑप्शंस निकाली हुई हैं इस टाइम वहाँ पे टोटल 3 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो कि तकमील स्क्वायर है, Pelican Mall है, आमना होम्स है, यानी कि रेजिडेंशियल कमर्शियल सारी अपॉर्चुनिटीज उन्होंने प्रोवाइड की हुई हैं. प्लस DHA Bhawalpur इस टाइम काफ़ी सारे सेक्टर्स का पोजेशन दे चुका है जिसमें सेक्टर ए है, सेक्टर बी है, सी है, डी है, इनके पोजेशंस वो दे चुका है और इसमें फैमिलीज बकायदा वहाँ पे रह रही हैं और आप इसको 200+ फैमिलीज का आप फिगर क्रॉस कर सकते हैं. प्लस डी सेक्टर के अंदर विला कम्युनिटी है, विला कम्युनिटी के अंदर विलाज डिलीवर्ड हैं DHA Bhawalpur के. मिजान बैंक है वहाँ पे, उसके बाद रूट्स पर आई स्कूल है और इस तरह की काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ हैं जो कि DHA Bhawalpur ने वहाँ के रेजिडेंट्स को प्रोवाइड की गई हैं. इवन के प्लस सेंट्रल पार्क जो DHA Bhawalpur का है वो इस टाइम ऑपरेशनल है, फाउंटेन है, बहुत सारे मामलात हैं. एक आपको एक जो देखें Bhawalpur के अंदर अहमद शुरू से एक इशू रहा है कि वहाँ पे एक वेल गेटेड कम्युनिटी नहीं रह सकी जो कि वहाँ पे लोग नहीं ला सके, लेकिन DHA ने वो एक गैप पूरा किया और लोगों को एक मॉडर्न लाइफस्टाइल दिया और लोगों ने इसको बहुत अच्छे से अडॉप्ट किया और वहाँ के लोगों को इस बारे में बहुत अच्छी अवेयरनेस है कि DHA क्या है और DHA में क्यों आना चाहिए और लोग उसी हिसाब से इंटरेस्ट ले रहे हैं. मैम आपसे बात करेंगे, सबसे पहले तो आपने लोगों को इन्वाइट करना है. Tell them about your stall. Why they should visit? Almost 2-3 घंटे रह चुके हैं and अगर वो आते हैं तो वो यहाँ पे क्या पाएंगे आके? अस्सलाम वालेकुम, इट्स रबिया खान और ये एक अच्छी डेवलपमेंट है. लाइक DHA के अंदर हमारा स्विस इंटरनेशनल होटल्स एंड रिजॉर्ट्स है जो कि बहुत अच्छी डेवलपमेंट है. पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है और उसमें हमें चाहिए कि हम सपोर्ट करें पाकिस्तान को. और DHA Bhawalpur के अंदर बहुत अच्छा एक यानी कि प्रोजेक्ट है जिसमें आप कमर्शियल में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे तो आप आगे यहाँ पे होटल्स है, रिजॉर्ट्स है, तो इसमें इसको आप देख सकते हैं. 17 स्टोरी है ये और बहुत अच्छा जा रहा है. तो जरा एंड पे ना लोगों को जरा इन्वाइट कीजिएगा अपने स्टॉल के बाद, बताएं कौन सा स्टॉल है ताकि वो लोग जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं. 2 मिलियन पीपल आर वॉचिंग अस राइट नाउ एज अ होल और 2-3 लाख दुबई के अंदर भी लोग हमें देख रहे हैं, तो इन्वाइट कीजिए ताकि वो आपके स्टॉल की तरफ आइए. जी बिल्कुल, हम आपको इन्वाइट करते हैं, आप आइए Bhawalpur को सपोर्ट कीजिए. पाकिस्तान हम सबका मुल्क है और सभी सिटीज़ जो है हमारे लिए इक्वल हैं और Bhawalpur के अंदर इतनी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, इतनी जेन्युइन डेवलपमेंट है जिसमें आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छा मिलने वाला है. इसके अलावा कारोबार की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, स्पेशियस पार्किंग्स हैं, आपको कमर्शियल मार्केट है और जो कि एक नई डेवलपमेंट है जो कि आज से पहले नहीं थी Bhawalpur में. तो इसको सपोर्ट करना चाहिए सभी पाकिस्तानियों को. हम सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म हमें मिला है जिसमें हम मुतहद हो रहे हैं, तो प्लीज़ इस प्लेटफॉर्म पे आइए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इधर आइए और आकर इसको एक्सप्लोर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल कीजिए और बाइंग कीजिए. इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर द इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान एट Bhawalpur, क्योंकि बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान में जिनको अवेयरनेस है अच्छी इन्वेस्टमेंट की, प्योर इन्वेस्टमेंट की. तो ये आपको इस तरह से यहाँ पर आके पता चलेगा. सो आई वॉन्ट टू इन्वाइट यू ऑल. थैंक यू सो मच. Thank you, Saad. Inshallah, we'll see you again in more events and inshallah, best of luck for your project. So let's move on. Sumaira will continue from makan.com.
जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। अब हमारे साथ मौजूद हैं शानूर अहमद जो कि मार्केटिंग हेड है मकान.com के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, कैसी हैं आप? खैरियत, आई एम क्वाइट फाइन। अच्छा शानूर, मुझे बताइएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मकान.com के बारे में कि क्या है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आप लेके आए हैं, और स्पेसिफिकली मुझे एक्सपीरियंस बताइए पाकिस्तान प्रॉपर्टी शो का, क्योंकि काफ़ी अर्से बाद इसका इनेकाद हुआ है, तो किस तरह का रहा, फुटफॉल कैसा रहा, सब सब बताइए। ओके, बेसिकली मकान.com इज़ पाकिस्तान फर्स्ट रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट पोर्टल, जहां हम रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल्स के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो प्रमोट कर रहे हैं। जो सोसाइटीज़ हैं उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट ब्लू वर्ल्ड सिटी, रूडन एनक्लेव, पार्क व्यू सिटी, नोवा, ताज रेजिडेंशियल, ये सारी चीज़ें हैं। प्लस आई एम रियली वेरी हैप्पी, मतलब क्राउड जो है वो बहुत मेच्योर क्राउड है, मतलब फुटफॉल जो है वो लाइक थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ है, लेकिन जो क्राउड है वो बहुत मेच्योर है। जो क्लाइंट्स आ रहे हैं एटलीस्ट बैठ रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, पाइपलाइंस जनरेट हो रहे हैं, एंड इवन दो यस्टरडे वी डिड लाइक ह्यूज सेल्स, या सो इट्स वेरी गुड। यू आर हैप्पी? या आई एम हैप्पी, एंड आई एम ऑल्सो वेरी मच थैंकफुल टू zameen.com कि इस तरह के एक्सपोज उन्होंने अरेंज करवाए, और फ्यूचर में भी इस तरह से करते रहे, एटलीस्ट बिग जाइंट्स को और डिफरेंट बिजनेसेस ग्रुप्स को आपस में मीटिंग्स करने का वो मौका मिलता है, एंड दिस इज एक्चुअली हैपन्स, और ये ज़रूरत है क्योंकि एक्सपो पे मोस्टली लोग आते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह प्रेजेंट करते हैं, दिस इज द एक्चुअली राइट रीज़न फॉर द एक्सपो एंड That's so amazing. अच्छा शानूर, मुझे ये भी बताइए कि अब क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, तो जो हमारे देखने वाले हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे कि वो यहाँ पे आए? एग्जैक्टली, मैं ज़रूर कहूँगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आएँ, हॉल 5, हॉल 6 जो है वो विज़िट करें, बिकॉज़ यहाँ पर डिफरेंट रेजिडेंशियल्स, कमर्शियल्स के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं, जिनका पाकिस्तान में बहुत एक ह्यूज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो वो इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए, क्योंकि रियल स्टेट पाकिस्तान के अंदर अब नेक्स्ट बिग थिंग बनता जा रहा है डे बाई डे। ठीक है, तो इन चीज़ों से लाइक ऑब्वियसली फ़ायदा उठाना चाहिए, और यूएई या यहाँ पर पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानियों की बाइंग पावर एज कम्पेयर टू लोकल पाकिस्तानी वो ज़्यादा है। थैंक यू सो मच, दिस इज माई बिलीव। थैंक यू, वेलकम। जी शानूर हमारे साथ थे, तो अब हम लिए चलते हैं आपको अहमद की तरह, क्योंकि अहमद इज रेडी। सो गाइस, अभी हम मौजूद हैं बिल्ज एम्पायर के स्टॉल के ऊपर। आई हैव विद मी मिस्टर अफाक। सर अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो वेलकम टू पाकिस्तान प्रॉपर्टी शो। वी हैड एन अमेजिंग रिस्पॉन्स इन द टू डेज। ऑब्वियसली लोगों के मैचेस भी चल रहे हैं, उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत हम देखा है आवाम अभी आना शुरू हो रही है, लोग आना बंद नहीं हुए। सो सर मुझे बताइए, ओवरऑल आपको ज़मीन के साथ ऐसे इवेंट पे आके कैसा लगा? मेरा ये बिल्कुल पहला एक्सपीरियंस था, हमारा फर्स्ट दुबई का एक्सपीरियंस है, तो माशाल्लाह काफ़ी इधर एजुकेटेड क्लाइंट्स आते हैं जो रियल इस्टेट को समझते हैं और उसको देख के आके इधर इन्फॉर्मेशन लेते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की। बहरहाल अच्छा रहा है, काफ़ी हेल्दी एक्टिविटी रही है आज से और कल सारा दिन, आज का दिन भी। अब ज़रा थोड़ा प्रेशर बढ़ गया, लोग ज़्यादा आ रहे हैं, तो हेड्स ऑफ 8 बजे तक इंशाल्लाह इसको अच्छा फाइनलाइज कर लेंगे एंड तक। सर मुझे बताइएगा कि व्हाट इज बिल्ज एम्पायर ऑल अबाउट, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले पे हैं? वी सी अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन हियर, उसको जरा समराइज करके आपने बताना है कि व्हाट आर यू ब्रिंगिंग ऑन द प्लेट हियर। बिल्ज एम्पायर हमारा रियल एस्टेट ग्रुप है जो हम ऑलमोस्ट 12 ईयर्स से लाहौर में हम मुकीम और उसमें काम कर रहे हैं। हमारे दो प्रोजेक्ट्स हैं, एक मरी में हम वोकेशन विलेज बना रहे हैं, इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं, 1 बेड से लेकर इंडिपेंडेंट होम्स तक, और दूसरा हम फार्म हाउसेस का कटिंग कर रहे हैं बैरियर टाउन के पास मुल्तान रोड पे, नेम मराका होम्स के नाम से। तो ये दो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको हम ओवरसीज के लिए और मिडल ईस्ट के लिए सारा इधर लेके आए हैं इनके लिए। तो मैं जितने भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं और जितने सुन रहे हैं आप, प्लीज़ टाइम क्योंकि अब थोड़ा है तो जल्दी से आएँ, काफ़ी डिस्काउंट्स हैं हमारे पास, इसको विज़िट करें अपने फार्म हाउसेज़ के लिए, प्लॉट्स के लिए, अपने घरों के लिए, मरीब जैसी खूबसूरत वैली के लिए, जिसने कोई इंटरेस्टेड है लेना चाहते हैं तो हमें विज़िट कर सकते हैं एवरी टाइम आके। सबसे बड़ी बात यह कि ऑल द एग्जिबिटर्स हेयर दे आर सॉलिड एग्जिबिटर्स, यहाँ पे आना आसान काम नहीं है, तो जो भी यहाँ पे आया हुआ है दे आर क्रेडिबल, दे आर सॉलिड बिल्डर्स, दे आर द रियल प्रोफेशनल्स ऑफ रियल एस्टेट। सर थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस एंड बेस्ट ऑफ लक। सो गाइस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सुमैरा अभी नेक्स्ट कवर करेंगी न्यू लाइफ डेवलपर्स। चुके हैं न्यू लाइफ डेवलपर्स के पास। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर मुझे बताया क्या कि न्यू डेवलपर्स जो हैं बेसिकली क्या है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपके तहत बनाए गए हैं, और एक्सपीरियंस कैसा रहा पाकिस्तान प्रॉपर्टी शो का?
न्यू लाइफ डेवलपर बेसिकली हमारा जो पहला प्रोजेक्ट था वो ग्वादर सेंट्रल के नाम से है, ग्वादर के अंदर. दूसरा है भूरबन के अंदर क्लिफ साइड के नाम से. और अभी हम ये DHA के साथ हमारा जॉइंट वेंचर है जो हम हाई राइज अपार्टमेंट बना रहे हैं DHA में लाहौर में. सो अमेजिंग. तो फुटफॉल कैसा रहा? कस्टमर्स आए, मैच्योर क्लाइंट्स आए? कस्टमर्स आए लेकिन जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितने हमें zameen.com की तरफ से फिगर्स बताई गई थी उतना मीट नहीं कर सके डेफिनेटली. लेकिन इट वाज ओवरऑल इट वाज गुड, इट वाज नॉट बैड. तो अब ऐसा करें कि एक इनविटेशन दे दें ताकि जो लोग अभी बैठे हुए हैं घरों में वो आ जाएं और वो जो फिगर हमने दिया था वो पूरा हो जाए. जी डेफिनेटली. देखें, हम यहाँ पे आए हैं पाकिस्तानी जो सिटीजन्स हैं जो ओवरसीज रहते हैं उनके लिए कि वो अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करना चाहें, तो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि वो आएँ और देखें कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कहाँ पर चल रहे हैं और क्या वैल्यू उनको वो मिल सकती है, उनको रिटर्न कितना कहाँ पे अच्छा मिल सकता है. उनको डेफिनेटली विजिट करना चाहिए और वो यहाँ पे आएँ और आप देखें यहाँ पे कितने कंपनीज आई हुई हैं, कितने स्टॉल्स लगे हुए हैं. थैंक यू जी. तो अब हम आपको अहमद की तरफ लिए चलते हैं. अहमद इज क्वाइट रेडी. सो गाइज, वी हैव विद अस मिस्टर इमरान चौधरी. ही इज द डायरेक्टर सेल्स फॉर ड्रीम होम्स. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप बताइए. अल्हम्दुलिल्लाह. सर, वी हैड अ मेगा इवेंट इन दुबई आफ्टर लॉन्ग टाइम, पाकिस्तान प्रॉपर्टी शो. कैसा लगा आपको इस इवेंट का पार्ट बनके? दिस बीइंग अ फैबुलस इवेंट, ग्लैड टू बी द पार्ट ऑफ zameen.com एंड इंशाल्लाह ताला द रिस्पांस इज वेरी गुड. वी हैव मेनी क्लोजिंग्स एंड मेनी मोर टू कम इंशाल्लाह. मिस्टर इमरान, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ लोगोज एंड द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, दैट्स इनक्रेडिबल. सम ऑफ द बिगेस्ट नेम्स जो हम यहाँ पे देखते हैं, ग्रैंड सिटी, एसए गार्डन्स, यू मेट्रो सिटी, जिसकी चर्चा हर जगह लाहौर में है, लाहौर पर्पल कर दिया उन्होंने. तो मुझे बताएं कि इन प्रोजेक्ट्स को आप डील कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का यहाँ? बेसिकली ये जो तमाम प्रोजेक्ट्स हैं ये सारे हमारे पास एक्सक्लूसिविटी में है. वी आर वन ऑफ द लीडिंग मार्केट शेयर होल्डर ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स एंड हम जो प्रोजेक्ट है वो एक्सक्लूसिविटी में करते हैं. तो माशाल्लाह इसी वजह से हमारा रिस्पांस बहुत अच्छा है, हमारी क्लाइंटेज जो है मल्टीप्लाई होती है. सर एंड के ऊपर अपने स्टॉल का नंबर बताइए, अपने स्टॉल की लोकेशन बताइए, ताकि जो लोग भी अभी इस हॉल में मौजूद हैं और वो हमारा लाइव देख रहे हैं या एक दो घंटे में आना है वो आपको आके जरूर विजिट करें. इट्स B2 स्टॉल नंबर, ड्रीम होम्स मार्केटिंग. दिस इज आवर कंपनी, वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इन रियल एस्टेट इन लाहौर एंड पाकिस्तान एज वेल. अगेन सर, thank you for visiting us, thank you for being part of zameen.com and best of luck. So guys, this is Ahmed and abhi aapko hum thode bahut aur visitors se baat karwayenge. We'll move on to more exhibits and we'll talk to more exhibitors after that. Thank you.